शायद आप लोगों को ये पूछना है कि हम इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हमने एक छोटा सा ट्रिप सोचा है, इसीलिए मैंने अब ठीक किया है कि नॉर्थ बंगाल की झलंग जो एक छोटा गांव है वहाँ 2 या 3 दिन के लिए घूमने चल रहे हैं। हाय, मैं हूँ आपका दोस्त इमन और आप है मेरे साथ। तब तक के लिए इस चैनल में जुड़े रहिए और हमारे साथ ये जो व्लॉग है, ये जो जर्नी है, इसको कट मत करके इसको पूरा देखिए। जल्दी हम पहले कार पकड़ लेंगे स्टेशन तक जाने के लिए और वहाँ से ट्रेन। गुड इवनिंग। तो हम इस ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। बाहर में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक ज़रूर है, लेकिन अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए इधर रुके हैं। और यहाँ पे जो ट्रैफिक है, आप लोगों को ज़रूर एक बार दिखाना चाहता हूँ कि एक ट्रैफिक के अंदर हम फंस चुके हैं और इधर मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना ड्राई फ्रूट्स जो है वो खरीद ली जाए, इसलिए गाड़ी को रोक के कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने खरीदने के लिए अभी उतरेंगे। तो हम ले चुके हैं वो ड्राई फ्रूट्स जो हम खरीदने चाह रहे थे और अब शाम को लगभग 8 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं। ट्रेन जो है हम आज पकड़ने जा रहे हैं वो कामरूप एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन, लेकिन अब ये कोविड सिचुएशन के वजह से ट्रेन का नाम थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ कि वो हावड़ा डिब्रूगढ़ स्पेशल के नाम से वो चल रहा है। तो अभी लगभग 8 बज चुका है और हम अभी निकल चुके घर से। ट्रेन का यहाँ पे जो बरहमपुर यानी कि जो खागड़ा घाट रोड है, यहाँ का टाइम टेबल अनुसार ये 10 तक है, रात 10 बजे को इधर आएगा। तो इस समय जो ज़्यादा खस कर के जो बात है वो है, ये एक प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, हम अभी निकल चुके हैं और ये जो मौसम है ये बारिश का मौसम है। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा भतीजा है और ये घर जा रहा है और हम जा रहे हैं नॉर्थ बंगाल। सो तब तक के लिए ये हम नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं। इधर थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि ये जो हाई रोड है नेशनल NH 34, तो यहाँ पे सारी जगह पे लाइट नहीं है, तो इसीलिए जगह जगह पे थोड़ा अंधेरा छाए हुए है। तो जो प्रिकॉशन वाला बात है, इसीलिए हमने हमारे पास रखा ये जो कैप, ये कैप है हेड कैप, और इसके साथ ये N95 वाला जो मास्क है, ये इसके बगैर हम लिए हैं एक सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, एक बड़ा वाला बोतल और एक सेवलॉन का वो सरफेस क्लीनर स्प्रे। आप देख ही सकते हैं कि हम NH 34 में है और गाड़ी 40-45 के आसपास चल रहा है, बहुत टाइम है अब। और ये हमारी जो गाड़ी है इसको चला रहा है भाई, आपका नाम बताइए। सोमन भैया। तो वहाँ स्टेशन पहुँचने के बाद आप लोगों से मुलाकात करवा दूँगा, वादा है। और हमारे साथ और जो है ये स्टेशन तक सभी के साथ एक बार मुलाकात हो जाएगा। और ये अब जो व्यू देख रहे हैं तो ये है हमारा इधर का जो गंगा रिवर है, गंगा नदी, वो इसके ऊपर बना हुआ है एक
ब्रिज जिसका नाम है रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी एक जाने पहचाने इंसान थे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और हम ये ब्रिज पे आ चुके हैं। देखिए थोड़ा नज़ारा। हम अब नेशनल हाईवे छोड़ के वो खागड़ाघाट रोड जो स्टेशन है जिसका कोड है KGLE, हम वहाँ जा रहे हैं। बस पहुँचने ही वाले हैं, हम पहुँच चुके हैं। ये जो एरिया है ये खागड़ाघाट रोड रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इधर खागड़ाघाट रोड रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है KGLE, और आप देख चुके हैं कि घड़ी में अब समय हो चुका है पूरा 8:10, और हम 2 घंटे गाड़ी छूटने से 2 घंटे पहले थोड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है इसीलिए हम रोक रहे हैं। तो ये है स्टेशन। मेरा जो ट्रेन है वो है 05959 आप हावड़ा डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। अब ये जो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म उधर है, हमको थोड़ा ओवरब्रिज यूज़ करना पड़ेगा। फुट ओवर ब्रिज है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं, और ट्रेन जो है वहाँ वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ही आएगी, और यहाँ से यानी कि मुर्शिदाबाद से NGP तक जाने के लिए अब फिलहाल 2 ट्रेन चल रहा है। एक है वो तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस जो अब थोड़ा नाम बदल चुका है ये कोविड के कारण से, ये नाम लिया है एक स्पेशल, और इसका टाइम था 6 शाम को 6 के आसपास, तो ये कोविड सिचुएशन के कारण इसका नाम थोड़ा बदल चुका है, इसका नंबर थोड़ा बदल चुका है। और इसके बाद और एक ट्रेन जो है वो है डिब्रूगढ़ जाने वाली, हावड़ा से लेके डिब्रूगढ़ जाने वाली कामरूप एक्सप्रेस, तो वो अब थोड़ा नाम जो है वो बदल चुका है, यानी कि हावड़ा डिब्रूगढ़ स्पेशल के नाम से अब चल रहा है फिलहाल, और उस ट्रेन में हम यात्रा करने वाले हैं। तो अब जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि हम
ये पिस्ता को छोड़ के क्यों कामरूप को प्रेफर किया? तो हाँ, तो ये है हमारा स्टेशन खागड़ाघाट रोड। यहाँ से हम जाएंगे कामरूप एक्सप्रेस में। मैं बंगाली हूँ और इसी कारण से वजह से मेरा हिंदी जो है वो थोड़ा इधर उधर है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कर देना। ये मौसम जो है ये बारिश का मौसम है, लेकिन बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रहा है। ये जो नेचर के वजह से है, ये इसीलिए थोड़ा गर्म कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ का जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का फ़िलहाल जो अब टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 35 या फिर 35 आप, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि पसीना छूट रहा है मेरा। पता नहीं कब वो ठंडा हवा का जो झोंका वो मिल पाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और क्यों मैंने तीस्ता तोरसा को छोड़ दिया और क्यों मैंने डिब्रूगढ़ ये जो स्पेशल ट्रेन है इसको लेने की कोशिश किया, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका रीज़न क्या है। देखिए, इधर जो टाइम टेबल के अनुसार वो तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस का टाइम था वो था शाम को 6 बजे, और उधर एनजीपी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में हम लोगों को उतर देगा वो तब 3:45 के आसपास। तो वहाँ से हमको सिलीगुड़ी जंक्शन जाना पड़ेगा फिर दूसरे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ये जो टाइम है थोड़ा ज़्यादा है, ये पहला वाला कारण है। और जो हम डिब्रूगढ़ स्पेशल में जा रहे हैं यानी कि हावड़ा डिब्रूगढ़ एक्चुअल जो नेम है इसका कामरूप एक्सप्रेस, इसका टाइम इधर है 10 रात 10 को। तो इसीलिए वो ज़रा जो टाइम है कंज्यूम हो पाएगा। और वहाँ जो एनजीपी स्टेशन है वहाँ ये जो ट्रेन है वो सुबह को 6 के अंदर वो घुसा देगा प्लेटफॉर्म में। सो और नेक्स्ट ट्रेन हमारा जो है 8 को, और वहाँ से हमको सिलीगुड़ी जंक्शन जाना पड़ेगा, वहाँ से हम नेक्स्ट ट्रेन पकड़ लेंगे। ये था दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये है कि ये जो तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस है इधर जो कोचेस है ये कोच थोड़ा मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि ये उत्कृष्ट मान जो है ये मेंटेन कर रहा है ठीक है, लेकिन ये जो डिब्रूगढ़ स्पेशल यानी कि जो कामरूप एक्सप्रेस है इस ट्रेन में LHB वाला कोच लगा हुआ है। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि LHB का मतलब क्या है और इसका फैसिलिटीज़ क्या है। अगर नहीं पता तो ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LHB के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, ताकि आप लोगों को ये LHB कोच क्या होता है, इसका सुविधा क्या है, इसमें से कितना आराम मिलता है जर्नी करने से, ये सभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़े हैं और थोड़ी देर में वो हमारा ट्रेन जो है वो आने ही वाला है। तो ये स्टेशन के बारे में आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्टेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम डाल देंगे। ये स्टेशन जो है पहले डीजल इंजन से ही चलते थे, लेकिन 2 साल हुआ कि इलेक्ट्रिफाइड हुआ है। और कब से ट्रेन इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद कब से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलना शुरू कर दिया, ये आप सबको मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा।
फिलहाल हम आ चुके हैं जो स्टेशन में, इसका नाम है आजिमगंज जंक्शन। इसका स्टेशन कोड जो है वो है AZ, और आप लोगों को हम दिखाएंगे कि मुर्शिदाबाद की एक शहर में कुछ भी नहीं था, पूरा गरम ही गरम, लेकिन यहाँ आजिमगंज नियर अबाउट आधे घंटे का डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद जो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म थोड़ा भीगा हुआ है, वेट है थोड़ा, तो इसीलिए सोचा कि क्या हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ बारिश शुरू हो गया है, तो चलिए आप सभी को एक बार एक नज़ारा दिखा देते हैं। तो ये है हमारा ट्रेन, ये स्टेशन है आजिमगंज जंक्शन। वेंडर के सामने हम लोग खड़े हुए हैं और थोड़ा ज़्यादा बारिश शुरू हो गया है। घड़ी में इस समय लगभग 10:45 बज चुका है। ये है हमारा कोच डिब्रूगढ़ हावड़ा, और कोच नंबर है S10। चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि ज़ोर से बारिश शुरू हो गए हैं और अब अंदर जाने के समय है। आपसे नेक्स्ट मिलता हूँ मालदा टाउन स्टेशन में, तब तक के लिए टाटा। तो हम लोग आ चुके हैं, अब घड़ी में समय 1:50 हो चुका है और हम लोग आ पहुँचे मालदा टाउन स्टेशन में। यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है MLDT, और थोड़ा ट्रेन का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा ये जो ट्रेन है, ये हावड़ा डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस स्पेशल की रूप से चल रहा है अभी फ़िलहाल, और सुनसान पूरा स्टेशन खाली है, पूरा स्टेशन सुनसान है। और यहाँ देखिए एक ग्रीन कलर का फूल, ग्रीन कलर का कोई पार्सल वैन ही होगा, ये जा रहा है। और नॉर्थ बंगाल का ये पहला स्टॉपेज है, ये मालदा टाउन स्टेशन। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे मौसम है, कैसा मौसम है, यहाँ अब कैसा बारिश शुरू हो गए है। तो जब जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के बाद देखेंगे कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी कुछ अच्छा खासा बारिश ही होगा, वो ऐसे बारिश की मौसम ही मिलेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, चलिए। एंड अनाउंसमेंट हो रहा है और यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रेन अभी छूटने वाली है। फिलहाल मेरा कोच नंबर जो है S10 मिला इस बार, तो ठीक है चलो आज इतने तक। और सुबह को जब भी हम NGP न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ आप सभी के साथ दोबारा। ट्रेन हमारा जो है वो मालदा टाउन से डिपार्चर हो चुका है और हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम जा रहे हैं अब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अभी नींद छूटी है और हमको पता चला कि ये ट्रेन अलुवाबाड़ी रोड छोड़ के एनजीपी की तरफ जा रही है। मेरे साथ जो और दो साथी जर्नी कर रहा है अभी इसी वक्त, तो उसमें से एक मुझे नींद से जगाया और बोला कि अगले स्टेशन एनजीपी है तो उठ जा। मैंने उठ गया और ब्रश भी कर लिया और इंतज़ार है एक चाय वाले की। अगर वो चाय वाले आ जाए तो आप देख ही सकते हैं कि हम विंडो सीट पे बैठे हुए हैं और ट्रेन कितने तेज़ी से चल रहा है। रात को 3 या 4 तक एक बार नींद टूटी थी, लेकिन तब जब मैंने देखा कि बाहर ट्रेन जिस रफ्तार से चल रहे थे तो कुछ डरावना सा ही महसूस हुआ। इतना स्पीड, इतना कामरूप एक्सप्रेस में हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इतना डरावना एहसास ये रफ्तार की वजह से कभी नहीं फील हुआ। तो ये आज जो मैंने फील किया कि ट्रेन लगभग 100-110-120 क्रॉस करके उसका जो गति है उस गति में डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, तो मैंने सोचा कि तब एक शायद शूट ले लूं, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैंने नहीं ले पाया। और एक ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है तो इसलिए उतना साहस नहीं किया, क्योंकि सभी पैसेंजर्स ने तब सो रहा था और अब टाइम लगभग 5:15 हो चुका है।
उतर चुके हैं एनजीपी स्टेशन में और अब बड़ी है थोड़ा चाय पानी पीने की। तो देखिए